क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी, किसकी ताकत में वो बोल रही है? समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जिस तरह से दोनों तरफ से ट्विटर पर अभद्रता की गई, उसका परिणाम भी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के आईटी हेड मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद खूब बवाल मचा और फिर मनीष को जमानत मिल गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ऋचा राजपूत पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई और पार्टी भी खुद ऋचा राजपूत पर एक्शन लेने की तैयारी में। ऐसे में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल को जमानत मिलने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत को लेकर बयान देते हुए बड़ी बात बोल दी और कहा कि वो महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं चाहते। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव तब काफी नाराज हुए थे जब उनकी पत्नी और बेटी पर बेहुदी टिप्पणी की गई थी। तब अखिलेश ने बेहद नाराजगी में कहा था कि मेरी पत्नी और बेटी के बारे में अपशब्द कहने वाली महिला को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। पार्टी महिलाओं के लिए क्या कह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके घर परिवार नहीं है तो वो क्या इसी घर परिवार के बारे में बोलेंगे? क्या वो हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे, हमारी बेटी के बारे में बोलेगी? ये किसने आजादी दी, किसकी ताकत में वो बोल रही है? वो ताकत बीजेपी ने दी है, बीजेपी बुलवाती है। क्या मुख्यमंत्री के सहारे पे नहीं बोल रही है वो महिला? अगर मुख्यमंत्री जी का परिवार नहीं है तो दूसरे के परिवार पे अगर बोला जा रहा है तो वो चुप बैठे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, अपनी पुलिस आगे कर दे रहे हैं। जब उनपे शब्द खत्म हो गए, जब नहीं लड़ सकते हो तो पुलिस आगे करते हो। हालांकि अब अखिलेश ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं दिख रहे, जबकि डिंपल यादव के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किए जाने पर चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई और उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया, 99 बार तक गलतियां देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो हम लोग इसे बर्दाश्त कर रहे हैं और 99 तक बर्दाश्त करेंगे, फिर उसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में एक भाजपा नेत्री ने एक जो है डिंपल यादव और उनकी बेटी के लिए बयान दिया है, अभद्र टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? 99 तक हम इंतजार करेंगे गलतियों का जो उन्होंने कहा है, तो उनको बर्दाश्त करेंगे, 99 के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने भी उसका जवाब देते हुए वैसी ही भाषा का प्रयोग किया। आखिरकार मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से हद पार कर दी गई और अभद्रता, नीचता, बेहूदगी, बेअदबी दिखाई गई, जिसने उत्तर प्रदेश की छवि को इस तरह दागदार किया कि सुनने के बाद हर किसी को शर्म आ जाए। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है और ये गंदी मानसिकता वाली लड़ाई कब समाप्त होती है।